आज हम एक और दो अंक का जोड़ करना सीखेंगे। तो बच्चों, जो ये संख्याएं बनी है इन्हें ध्यान से देख लीजिए, इनकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं संख्याओं की सहायता से ही हम गिनती यानी काउंटिंग, पहाड़े और बड़ी बड़ी संख्या लिख पाते हैं। और आज इसी की सहायता से हम सवाल करेंगे जो इस तरह से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है और नीचे भी 2 लिखा है। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास 2 पेन हैं, तो आप यहाँ पे 2 लाइन बना लीजिए, 1, 2। और ये जो 2 है, ये समझिए कि आपको 2 पेन एक्स्ट्रा मैंने दे दिए, 1, 2। अब आपको ये सब गिनना है और टोटल करके लिखना है, 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ऐसे ही हम दूसरा भी करेंगे। ऊपर कितना है, 3 है, तो हम 3 लाइन बना लेंगे, 1, 2, 3। और नीचे कितना है, नीचे 1 है, तो 1 लाइन और बना लेंगे। अब हम इनको सबको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4। टोटल कितना हुआ, 4। ऐसे ही हम दूसरा भी करेंगे। ऊपर कितना है, ऊपर 4 अंक है, तो हम यहाँ पे नीचे 4 लाइन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। और नीचे हमने कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 लाइन और बना लेंगे हम, 1, 2। अब हम ये टोटल करके लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 हुआ, यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। ऐसे ही हम 2 अंकों के सवाल भी करेंगे। 2 अंकों का सवाल करने के लिए हमें चाहिए कि हम हमेशा दाईं तरफ से ही शुरू करें, बाईं तरफ से ना करें। तो देखिए ऊपर कितना है, ऊपर 4 है, तो हम नीचे यहाँ पे 4 लाइन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। और नीचे कितना लिखा है, नीचे 2 लिखा है, 1, 2। अब हम इनको टोटल काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। और अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर 5 है, तो हम नीचे यहाँ पे 5 लाइन बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और नीचे कितना है, नीचे हमने 2 लिखा है, तो 2 लाइन और बना लेते हैं एक्स्ट्रा, 1, 2। अब हम इसको भी काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 लिख लेते हैं। अब देखिए हमने दूसरा भी ऐसे ही करना है। ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 लाइन बना लेते हैं, 1, 2। और नीचे कितना लिखा है, 3 लिखा है, 3 लाइन बना लेते हैं, 1, 2, 3। अब हम इन सबको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 लिख लेते हैं। अब देखिए ऊपर कितना है, ऊपर 5 है, तो 5 लाइन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब नीचे 4 है, इसी के बराबर में 4 लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब इन सबको टोटल करके हम लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 हुआ, 9 लिखेंगे, 9। अब ऐसे ही हमें ये सवाल भी करना है। बच्चों, ये सवाल आपको करना है, इसको मैं नहीं कराऊंगी। इसको आप करके मुझे कमेंट में बताइए कि आंसर कितना आता है।